हमारे बच्चों, आज हम चैप्टर थ्री में नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। जो हमने चैप्टर थ्री में लास्ट एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी, आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें आपको शॉर्टकट मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन समझाऊंगी आज मैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, अब जैसे कि अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है, जैसे 43 का स्क्वायर करना है, तो अब आप इसको डायरेक्ट जैसे 43 मल्टीप्लाई 43 करते हो, उसके अलावा किस मेथड से कर सकते हो। आपको अगर आपके पास टू डिजिट नंबर है तो आपको कितने कॉलम बनाने हैं, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं, और पहले कॉलम में आपको एक्स स्क्वायर 2 × x × y एंड थर्ड कॉलम में वाई स्क्वायर, आपको इस तरीके से यूज़ करना है। अब आपको कि व्हाट इज़ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई वेरिएबल होते हैं, और जिसके अंदर आपका वेरिएबल क्या है जो हमारा चेंज होगा, कभी 43 होगा, कभी 61 होगा। तो यहाँ पे आपका एक्स क्या है 4 एंड वाई क्या है आपका 3। तो जब इसमें आप 43 का स्क्वायर निकालोगे इस फॉर्मूला के साथ, आपकी बुक के अंदर 2 × x + y लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे इंटू में y लिखा हुआ है, आपका करा हुआ अब इंटू है लेकिन लिखा हुआ प्लस है, तो आप याद रखना उसको, ठीक कर लेना कि वो आपका मल्टीप्लाई है रेशियो। तो जब आप इसको करोगे तो यहाँ पे आपका क्या आया 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 × 4 × 3, वाई आपका 3 है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर। ठीक है, आपने इस तरीके से ध्यान रखना है, इसको पहले आपने सारे डिजिट पुट करने, उसके बाद एक एक करके आपको सॉल्व करना है। जैसे 14 का स्क्वायर इज 16 एंड 3 का स्क्वायर इज 9, एंड अब जब आपका एक डिजिट है तो उसको 09 लिख देना या फिर 9 लिख देना, खाली डेट से मैटर, आगे मैं आपको बताऊँगी इसका पर्पस क्या है। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 24। अब आपने इसमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे 0 क्यों लिखवाया है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अगर आप 9 भी लिखेंगे तो भी चलेगा, आपकी जो यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट होगी वो तो एज इट इज़ उसके नीचे आ जाएगी 9, और जो इसकी जो ये टेंथ डिजिट की टेंथ प्लेस की डिजिट होगी वो इसके साथ प्लस में आ जाएगी, यानी कि प्लस 0। अगर प्लस 1 है तो प्लस 1 इसके नीचे, ठीक है, अगर प्लस 11 है तो प्लस 1111। ठीक है, इस तरीके से तो आपने किया, और उसके बाद आपका क्या चीज़ आई 24 ही आ गया, क्योंकि हमारा 0 था प्लस। अब इसके बाद फिर से आपने क्या करना है, जो ये आपकी जो वंस प्लेस किया वो नीचे आ जाएगी सीधा 4। ठीक है, और जो इसकी टेंथ प्लेस पे 2 है वो यहाँ पे कहाँ पे प्लस होकर चला जाएगा, यहाँ पे जो भी होगी डिजिट वो यहाँ पे, अगर 0 होगा यहाँ पे तो यहाँ पे 0, जैसे हमने इसमें किया था। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आया आपका 18, तो ये अब इसके आगे आपके पास कोई कॉलम नहीं है, तो ये एज इट इज़ आपका क्या आ गया 18। तो जो आपका अगर जो आपकी 43 का स्क्वायर होगा तो हमारा क्या आया एज इट इज़ 1849, दिस इज़ योर स्क्वायर ऑफ 43। अब जैसे कि अब मैं आपको करती हूँ, मान लो मैंने किया 79 का स्क्वायर, ठीक है, फिर से वही कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अब इसमें आपने क्या करना है, कॉलम 1 में आपका एक्स स्क्वायर, पहले आपने फॉर्मूला ज़रूर लिखना है ताकि आपकी कोई गलती ना हो, 2 × x × y, y² एक्स स्क्वायर की जगह एक्स आपका ये है, वाई आपका ये है, ठीक है, तो 7² × 7 × 9 और 9² अब 9² आपको पता है क्या होता है 81, 7² क्या होता है आपका 49, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा 2 × 7 = 14, 14 × 9 = 136। ठीक है, तो जब आप मैंने आपको बताया, अब इसके अंदर आपको क्या होगा, वंस प्लेस की डिजिट आपकी यहाँ पे आ जाएगी सीधा 1, और जो आपकी टेंथ प्लेस की डिजिट होगी, वंस प्लेस की डिजिट आ गया यहाँ पे, जो टेंथ प्लेस की है तो यहाँ पे 136 में कल से करते हैं, दिस 126। जब आपका जो टेंथ प्लेस की है यहाँ पे आएगा प्लस 8, 8 सबसे लास्ट में आपको पता है प्लस कैसे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे 126 के नीचे 8 लिखना, आपने यहाँ पे 80 मत लिख देना यहाँ पे, या फिर आगे यहाँ पे 8 मत लिख देना कि 1 के साथ 8 प्लस कर दो, आपने जिस तरीके से प्लस करते हो वंस टेंस 100 प्लेस के साथ ही आपने वंस प्लेस जिस हिसाब से प्लॉट करते हो उसी हिसाब से आपने प्लॉटिंग करनी है। ठीक है, तो जब आप इसको प्लस करोगे तो आपका क्या चीज़ आएगी 134। अब जब आपका 134 आएगा आपको फिर से इसमें क्या करना है, सिर्फ वंस प्लेस लेना है
और जो इससे पहले की, अब जैसे यहाँ पे मेरी टू आ रही है डिजिट्स, तो ये टू की टू एज इट इज़ आपकी इसके साथ प्लस पे चली जाएगी, यानी कि 13। जब ये 13 चली गई उसके बाद आपको क्या चीज़ आई, 62। अब ये 62 आगे कोई कॉलम नहीं, कोई ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो ये 62 एज इट इज़ 62 आ जाएगा। तो जब आप ये कहोगे कि व्हाट इज़ द 79 का स्क्वायर, इज 6241। ठीक है, दिस इज़ द वन मेथड ऑफ शॉर्टकट कॉलम मेथड। अब एक चीज़ आती है डायगनल मेथड। डायगनल मेथड मैं आपको दोबारा से कराऊंगी एक बार, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए छोटा सा एग्जांपल, जैसे 43 हमने किया था, 43 का स्क्वायर। अब डायगनल आपने क्या करना है, डायगनल मेथड में आपने क्या करना है कि आपके पास जितनी डिजिट्स हैं, यानी कि टू डिजिट्स का स्क्वायर है आपके पास, टू डिजिट्स का स्क्वायर है, तो आपने क्या चीज़ बनानी है, एक स्क्वायर बनाना है टू कॉलम्स के, टू बॉक्स के, यानी कि यहाँ से भी दो, यहाँ से भी दो, यहाँ से भी दो, नीचे से भी दो, हर जगह से आपके दो दो बनेंगे, क्योंकि दो दो आएंगे, क्योंकि जिसका स्क्वायर करोगे थ्री का होगा तो आपका थ्री थ्री बन जाएंगे। ठीक है, तो आपने जो ये 43 लिखना है, एक यहाँ पे 4343, एक लिखना है यहाँ पे 4343। अब जो ये आपने जो ये डायगनल कॉलम बनाए हैं स्क्वायर में, अब इसके अंदर आपने डायगनल बनाने, जैसे आप स्क्वायर रेक्टेंगल की डायगनल बनाते हो इस तरीके से, अब इसका डायगनल इस तरीके से और इसका डायगनल इस तरीके से, आपने ये डायगनल्स बना लिए, जो ये आपके डायगनल के जो ये जो कॉलम के जो पार्ट्स हैं। अब इन पार्ट्स में आपने क्या करना है, अब आपने सीधा सीधा चलना है, आपने 43 का स्क्वायर करना है, जिसका भी करना है आपने सिर्फ एक एक बार ही लिखना है। तो आपने क्या करना है, आप सब इस वाले कॉलम में, इस वाले में आपको किसका आएगा, इस तरीके से मैट्रिक्स वाइज चलेंगे, इसमें इसका ये रो आ रही है और ये कॉलम आ रहा है, तो इस रो में क्या डिजिट है 4, कॉलम में क्या है 4, तो 4 जा 16, और 16 कैसे लिखोगे 1 6 16। अब इस वाले में क्या आ रही है, ये रो आ रही है, ये कॉलम आ रही है, इस रो का क्या है 3 रो का एलिमेंट है और कॉलम का क्या एलिमेंट है 4, तो ये आपका क्या चीज़ आ गई 3 × 4 12 1 2 12। ओके, अब ये वाला कॉलम, अब इसमें क्या है, आपकी रो है 4, ठीक है, रो 4 और कॉलम 3, तो आपको क्या चीज़ आ गई 3 × 4 = 12। अब इसके अंदर आपकी रो 3 है और कॉलम क्या है 3, दोनों 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 × 3 = 9। अब 9 आपने यहाँ पे 9 नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया वंस प्लेस ये होती है, टेंस प्लेस ये होती है, इसके अंदर भी वंस प्लेस ये है, टेंस प्लेस ये, इस तरीके से वन प्लेस आएगा 9 और जो जिसमें कुछ भी नहीं है वो आपका एम्प्टी सी। ठीक है, ये करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इन सब को अलग अलग लिख देना है, कैसे, इस तरीके से, और कैसे लिखोगे, वन अकेला है तो वन का वन, और यहाँ पे जितने आपके पास है इस डायगनल के अंदर, इस डायगनल के अंदर जितने उन सबको आपने सम कर देना है, 1 6 और 1, 1 6 1 तो कितना हो गया 1 + 6 + 1 8, 2 + 2 = 4 और ये 9, क्या आ गया आपका 1 8 4 9, आपका आ गया 1 8 4 9। हमारे इसके अंदर भी सेम आंसर आपका आया था 1 8 4 9, दिस इज़ द 1 8 4 9। ठीक है, अब जैसे कि अब मैं आपको 3 डिजिट नंबर लेती हूँ 341। ठीक है, 341 का, यानी कि हमें किसका स्क्वायर लेना है, 341 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं जैसे 341, ताकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस हो। ठीक है, आपने हर तरफ से 3-3 के लेने, 1 2 3 1 2 3 ले लिया। लेने के बाद आपने क्या करना है, डायगनल इक्वल डायगनल हो जाएंगे आपके, बस आपने देखने कौन सी रो है कौन सा कॉलम है। अब आपको देखो 341 है, तो यहाँ पे 341 341। अब आपने ये रो ये कॉलम 3 × 3 = 9, तो 09, 3 4 3 4 3 4 = 12, 1 2, 3 1 = 3 0 3, वंस यहाँ पे आएगा नीचे की तरफ। ठीक है, 4 3 = 12, 4 4 = 16, 4 1 = 4, 1 3 = 0 3, 1 4 = 0 4, 1 1 = 0 1। अब उसके बाद सीधा सीधा आपने प्लस करते जाना है। ठीक है, जैसे ही आप प्लस करके लिखोगे एज इट इज़ आपने डिजिट सीधी देनी है, ये 0 अकेला है तो 0,
वन प्लस नाइन टेन, टेन प्लस वन इलेवन, जीरो प्लस टू प्लस वन प्लस टू यानी कि टू प्लस वन थ्री फोर फाइव, थ्री प्लस सिक्स नाइन, नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व, फोर प्लस फोर एट और ये वन। अब हो गया इसमें टू डिजिट आ गई। अब ये जो टू डिजिट आ गई आपने इसको क्या कर देना है, इसके साथ प्लस वन, वंस लेना है आपने हमेशा, ठीक है। तो आपकी डिजिट क्या आई, यहाँ पे तो जीरो है, यहाँ पे इसका प्लस वन चला जाएगा तो वही रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, वन एट टू और ये इसका वन यहाँ पे चला गया तो सिक्स वन और इसका वन जीरो के साथ प्लस ओके वन, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से करना है डायगोनल मेथड। आज हमने दो मेथड करे हैं, एक शॉर्टकट मेथड यानी कि कॉलम वाला मेथड, जिसके अंदर एक्स स्क्वायर टू इंटू एक्स इंटू वाई और वाई स्क्वायर, उसके बाद आपने जैसे प्लस करते हैं वैसे, और एक हमने किया है डायगोनल मेथड, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।